हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स का एक लेसन, विद्युत धारिता तथा स्थिर विद्युत जनित्र। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर। आज का क्लास प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप हमारे YouTube चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे आप हमारे कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपको ऑटोमेटिक अपडेट मिलता रहेगा जब भी कोई वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे चालक और अचालक का। जो पदार्थ बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाए जाने पर अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है वो चालक कहलाता है, जैसे चांदी, तांबा, सोना आदि विद्युत के अच्छे चालक हैं। इसके विपरीत जो पदार्थ बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाए जाने पर अपने से विद्युत धारा को प्रवाह नहीं होने देता है अचालक अथवा विद्युत रोधी कहलाता है, जैसे गंधक, कांच, रबर, लकड़ी, प्लास्टिक आदि विद्युत रोधी पदार्थ हैं। ठीक है, चलिए अब हम दूसरी परिभाषा पढ़ेंगे, स्थिर विद्युत प्रेरण। जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित विद्युत रोधी चालक के पास लाया जाता है तो अनावेशित चालक के पास वाले सिरे पर विजातीय तथा दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इस क्रिया को स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। स्थिर विद्युत प्रेरण की क्रिया में चालक के जिस सिरे पर का प्रेरित आवेश आकर्षण के कारण बंधा रहता है उसे बद आवेश तथा जिस सिरे का प्रेरित आवेश पृथ्वी के में तथा अन्य चालकों में जाने के लिए स्वतंत्र होता है उसे मुक्त आवेश कहते हैं। किसी चालक पर बद या मुक्त आवेश विजातीय होते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट है किसी विद्युत क्षेत्र में चालक के गुण। तो पहला, चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, अतः चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होता है। दूसरा, आवेश केवल बाह्य पृष्ठ पर ही होता है। तीसरा, चालक के पृष्ठ के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है। चौथा, चालक के अंदर और बाहर प्रत्येक बिंदु पर विभव नियत तथा समान रहता है। पांचवा, चालक का पृष्ठ समविभवी होता है, इक्विपोटेंशियल। समविभवी को इंग्लिश में इक्विपोटेंशियल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब है विद्युत धारिता। मीन्स विद्युत धारिता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो विद्युत धारिता किसी चालक की विद्युत धारिता उस चालक को दिए गए आवेश तथा इस आवेश के कारण चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। यदि किसी चालक में Q आवेश दिया गया है और विभव में वृद्धि V हो तो उसकी विद्युत धारिता C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होगा, क्यू बटे वी होगा। एसआई पद्धति में विद्युत धारिता का मात्रक फैराड, जिसे हम एफ से सूचित करते हैं। विद्युत धारिता का विमेय सूत्र एम टू द पावर माइनस वन, एल टू द पावर माइनस थ्री, टी टू द पावर फोर और ए टू द पावर टू होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला, चालक का आकार। चालक का आकार बढ़ाने पर
उसकी धारिता बढ़ जाती है। दूसरा, चालक की आकृति। चालक का आकार समान रखते हुए उसकी आकृति बदलने पर उसकी धारिता भी बदल जाती है, क्योंकि आकृति बदलने से चालक का विभव बदल जाता है। तीसरा, चालक के समीपवर्ती माध्यम की प्रकृति। माध्यम की अपेक्षित विद्युतशीलता जितनी अधिक होती है, चालक का विद्युत विभव उतना ही कम तथा धारिता उतनी ही अधिक होती है, क्योंकि C is equal to Q upon V होता है। चौथा, चालक के पास अन्य चालकों की उपस्थिति। आवेशित चालक के पास एक अन्य अनावेशित चालक लाने पर अनावेशित चालक का विभव कम हो जाता है, फलस्वरूप उसकी धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, बिलगित गोलीय चालक की धारिता। यहाँ पे आपके चित्र में जैसे दिया गया है, उसमें मान लीजिए कि R त्रिज्या का एक बिलगित गोलीय चालक है, जो कि निर्वात अथवा वायु में स्थित है। इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। चालक होने के कारण आवेश गोले के बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है तथा पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। इस कारण गोले के पृष्ठ से निकलने वाली बल विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर पृष्ठ के लंबवत होती हैं, जैसा कि आपके चित्र में दिया गया है। अर्थात गोले के केंद्र O से त्रिज्या की दिशा में आती हुई प्रतीत होती है। अतः गोले के पृष्ठ पर अथवा पृष्ठ के बाहर किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए संपूर्ण आवेश प्लस क्यू को गोले के केंद्र O पर केंद्रित माना जाता है या माना जा सकता है। तब गोले के पृष्ठ का विद्युत विभव कितना होगा? V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R होगा। यदि गोले की धारिता C हो तो C is equal to Q upon V होता है, Q बटे V होता है। अर्थात Q के बदले में तो Q रहेगा, लेकिन V के बदले में हम 1/4 pi epsilon naught ये वाला वैल्यू Q by R यहाँ पे बैठा देंगे। तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 pi epsilon naught R, ठीक है, 4 pi epsilon naught R। यदि चालक के चारों ओर epsilon R परावैद्युतांक वाला माध्यम हो तो चालक की धारिता C is equal to 4 pi epsilon naught epsilon R into R, कैपिटल R। वो क्या है? रेडियस। कैपिटल R क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत धारिता का मान। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, आवेश चालक की स्थितिज ऊर्जा। किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उसे प्रारंभिक अनावेशित अवस्था से आवेशित करने में किया जाता है। माना किसी चालक की धारिता C है। आवेशन की प्रक्रिया में किसी क्षण चालक पर आवेश Q1 तथा चालक का विभव V1 है। तब C is equal to Q1 by V1 अथवा V1 is equal to Q1 by C। यदि चालक को अतिरिक्त अनंत सूक्ष्म आवेश dQ दिया जाए तो कृत कार्य dW is equal to dQ plus V1, और V1 के बदले में हम लिख सकते हैं Q1 by C। ठीक है,
अतः चालक की संपूर्ण आवेश Q देने में कृत कुल कार्य W is equal to इंटीग्रेशन 0 से Q तक dW का इंटीग्रेशन करेंगे इज इक्वल टू फिर dW के बदले में हमने पहले जो वैल्यू निकाला था Q1 अपॉन C dQ ये बैठा देंगे और इंटीग्रेशन 0 से Q तक जैसा है वैसे ही रहने देंगे फिर W इज इक्वल टू यहाँ से कॉमन ले लेंगे 1/C बाहर निकाल लेंगे और इंटीग्रेशन 0 से Q तक फिर Q1 dQ का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से Q तक ठीक है अब इंटीग्रेशन Q1 dQ का इंटीग्रेशन यदि हम करेंगे तो वो क्या होता है Q1 स्क्वायर अपॉन 2 और 0 से Q तक फिर Q स्क्वायर अपॉन 2C ये आ जाएगा आपका वैल्यू वर्क डन ठीक है कार्य तो यह कार्य ही चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है अतः आवेश चालक की ऊर्जा U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C U इज इक्वल टू हाफ C V स्क्वायर Q का वैल्यू C V बैठा देंगे तो C स्क्वायर V स्क्वायर हो जाएगा अपॉन C तो एक C कट जाएगा तो हाफ C V स्क्वायर हो जाएगा अथवा इसको ऐसे भी सी वी को हम क्यू लिख सकते हैं तो फिर इसको क्यू इंटू वी यहाँ पे आ जाएगा हाफ यू इज इक्वल टू हाफ क्यू इंटू वी ठीक है चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आवेश चालकों के बीच आवेश का पुनर्वितरण माना ए और बी दो पृथक्कृत चालक हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 वो C2 हैं इन्हें Q1 वो Q2 आवेश देने पर इनके विभव क्रमशः V1 वो V2 हो जाता है तब Q1 is equal to C1 V1 तथा Q2 is equal to C2 V2 तो यहाँ पे जैसे दिया गया है दोनों चालकों को एक सुचालक तार द्वारा परस्पर जोड़ने पर यह है सुचालक तार द्वारा हम परस्पर जोड़ दिए हैं जोड़ने पर आवेश अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों चालकों के विभव समान ना हो जाएं माना कि यह वेनिस्ट विभव V है कुल आवेश Q1 प्लस Q2 ही रहता है इसको समझने के लिए मान लीजिए सरल उदाहरण दो पानी की टंकी है और दोनों को पाइप से जोड़ा गया है तो क्या होगा कि जिसकी जिसका वाटर लेवल ज़्यादा होगा वहाँ से पानी फ्लो करेगा जिसकी जिस टंकी में वाटर लेवल कम है तो और वो तब तक फ्लो करेगा तब तक बहेगा जब तक कि दोनों का वाटर लेवल समान ना हो जाए तो उसी तरह आप मान सकते हैं आवेश के क्षेत्र में कि आवेश उच्च विभव से निम्न विभव तक तब तक बहेगा जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं चालकों का उभयनिष्ठ विभव कितना हो जाएगा कुल आवेश बटे कुल धारिता तो कुल आवेश कितना है यहाँ पे Q1 प्लस Q2 और कुल धारिता कितना है C1 प्लस C2 अब क्या करेंगे Q1 के बदले में C1 V1 और Q2 के बदले में C2 V2 लिखेंगे ठीक है माना आवेश का पुनर्वितरण होने पर चालक A पर आवेश Q1 डैश तथा चालक B पर आवेश Q2 डैश हो जाता है तब Q1 डैश इज इक्वल टू C1 भी तथा Q2 डैश इज इक्वल टू C2 भी Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 भी अपॉन C2 भी V कट गया C1 अपॉन C2 हो जाएगा अतः दो आवेश चालकों को परस्पर जोड़ने पर उन पर पुनर्वितरित आवेश उसकी धारिताओं के अनुपात में होता है जैसे कि C1 अपॉन C2 C1 बटे C1 C2 ठीक है चलिए
नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, स्थानांतरित आवेश की मात्रा। चालकों के परस्पर जोड़ने से पूर्व चालक ए पर आवेश Q1 तथा जोड़ने के पश्चात Q1 डैश हो जाता है, अतः चालक ए से बी पर स्थानांतरित आवेश की मात्रा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू Q1 माइनस Q1 डैश। Q1 के बदले में हम C1V1 और Q1 डैश के बदले में C1V डैश लिख सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में C1V1 तो वैसा ही रहेगा, माइनस C1 भी वैसा ही रहेगा, लेकिन V डैश के बदले में ऊपर जो लिखे गए हैं, यहाँ पे ऊपर में हमने एक रिलेशन निकाला था, उसको ये वाला V डैश के बदले में ये हम बैठा सकते हैं, ठीक है। C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, तो ये वैल्यू बैठा दिया V डैश के बदले में यहाँ पे। अब इसको सॉल्व किया, C1 पूरे में से कॉमन ले लिया, और इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा। फिर इसको और सॉल्व किया तो इसको ये इक्वेशन आ गया हमारा। तो Q डैश इज इक्वल टू C1C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 अब बटे C1 प्लस C2 होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आवेश का पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। जब आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव वाले चालक की ओर होता है, तब इस प्रक्रिया में कुछ कार्य किया जाता है। यद्यपि दोनों चालकों के आवेश की कुल मात्रा अपरिवर्तित रहती है, परंतु उनकी कुल स्थितिज ऊर्जा कुछ समय कुछ कम हो जाती है। जोड़ने से पूर्व चालक की स्थितिज ऊर्जा U1 is equal to half C1 V1 square, दूसरे चालक की स्थितिज ऊर्जा U2 is equal to half C2 V2 square, कुल स्थितिज ऊर्जा UF is equal to half C1 V1 square minus C2 V2 square, ये इक्वेशन नंबर समीकरण एक है, ठीक है। आगे इसे सॉल्व करते हैं, तो दोनों चालकों के को परस्पर जोड़ने पर संयुक्त धारिता C1 प्लस C2 तथा उभयनिष्ठ विभव भी हो जाता है, अतः जोड़ने के बाद कुल स्थितिज ऊर्जा UF इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 ब्रैकेट में V स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 ब्रैकेट में, और V के बदले में हमने वही वैल्यू बैठाना है जो कि हम पहले डिराइव कर चुके हैं, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये हो गया समीकरण दो। अब डेल्टा U यदि हम निकालना चाहें तो UI माइनस UF, तो UI हम पहले निकाल चुके हैं, ये UI का वैल्यू है और ये UF का वैल्यू है, ठीक है। UI माइनस UF का वैल्यू हम बिठा देंगे, तो इसको कॉमन लेंगे, कॉमन लेके इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा हमारा, और सॉल्व करते जाएंगे स्टेप में, और इस स्टेप में हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखिए, इस व्यंजक में C1 वो C2 दोनों धनात्मक हैं, तथा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर भी पूर्ण वर्ग होने के कारण धनात्मक है, अतः इससे सिद्ध होता है कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का सदैव ह्रास होता है। ऊर्जा का यह अंतर चालकों को जोड़ने वाली तार में ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, संधारित्र। किसी चालक का आकार या आयतन बढ़ाए बिना उसकी धारिता में वृद्धि करने के लिए जो समायोजन किया जाता है उसे संधारित्र कहते हैं। यदि किसी चालक को क्यू आवेश देने पर उसका विभव भी हो जाए तो चालक की धारिता सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी होता है, ये पहले ही पढ़ चुके हैं आप लोग। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, पहला
प्लेटों के उभयनिष्ठ क्षेत्रफल पर वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है। संधारित्र की धारिता प्लेटों के उभयनिष्ठ क्षेत्रफल ए का अनुक्रमानुपाती होता है, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। प्लेटों के बीच की दूरी पर संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी डी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d, ठीक है, या व्युत्क्रमानुपाती होती है डी के, सी व्युत्क्रमानुपाती होती है डी के। तीसरा, प्लेटों के बीच के माध्यम पर संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच में बीच स्थित माध्यम पर निर्भर करती है तथा परावैद्युत माध्यम होने पर बढ़ जाती है। यह माध्यम के परावैद्युतांक ER एप्सिलॉन R के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे कि C इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन R, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर पद पट संधारिता। इसे इंग्लिश में पैरल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। तो इसमें धातु के दो वृत्ताकार अथवा आयताकार समतल प्लेटें होती हैं, जो जैसे कि आपका फिगर में दिया गया, आपके फिगर में आयताकार का एग्जाम्पल दिया गया है, जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर परस्पर समांतर रखी होती हैं। इसमें एक प्लेट पृथकीकृत होता है और दूसरा पृथ्वी से जुड़ी रहती है। इसकी विद्युत धारिता बढ़ाने के लिए प्लेटों के मध्य कुछ कोई परावैद्युत माध्यम जैसे कि अभ्रक, मोम, कागज इत्यादि भर दिए जाती हैं। तो आपके फिगर में जैसे दिया गया है, एक्स और वाई दो समतल समानांतर चालक प्लेटें हैं जो एप्सिलॉन आर अपेक्षित विद्युतशीलता वाले माध्यम में एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है। प्लेट वाई पृथ्वी से जुड़ी है। प्लेट वाई पृथ्वी से जुड़ी है और प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है प्रेरण द्वारा उसके सामने वाले प्लेट वाई के अंदर वाले पृष्ठ पर माइनस क्यू तथा बाहरी पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। चूंकि प्लेट वाई पृथ्वी से जुड़ी है अतः बाहरी पृष्ठ का प्लस क्यू आवेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन से निर्वासित हो जाती है। इस प्रकार वाई प्लेट वाई के में केवल माइनस क्यू आवेश शेष रह जाता है। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं यदि आप ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ ऐसे जाएंगी धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, ठीक है। अतः प्लेटों के समांतर होने के कारण उनके मध्य बल रेखाएं किनारों को छोड़कर परस्पर समांतर होती है, अतः प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र समरूप होगा। यदि प्लेट एक्स पर आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा हो तो यहां पे यदि पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा हो
तथा वाई पर माइनस सिग्मा हो, तो एक्स का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा, एक्स का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा, वाई का पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा हो, माइनस सिग्मा हो, तो हम कह सकते हैं कि प्लेटों के, दोनों प्लेटों के बीच प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा? E is equal to sigma upon epsilon naught epsilon r होगा, sigma बटे epsilon naught और epsilon r होगा, जहां epsilon naught निर्वात की विद्युतशीलता है। यदि प्लेटों के बीच में उभयनिष्ठ क्षेत्रफल A हो, हाँ, अब प्लेटों के बीच का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल मान लीजिए A हो, तो हम कह सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, क्यू बटे ए होगा, और ई इज इक्वल टू क्यू, सिग्मा के बदले में यहाँ पे क्यू अपॉन ए बैठा देंगे, क्यू बटे ए का मान बैठा देंगे, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए, वी इज इक्वल टू ई इंटू डी, तो ई का मान हम यहाँ बैठा देंगे, Q epsilon Q बटे epsilon naught epsilon r a, ठीक है, और d जैसा कह ऐसा वैसे ही रख देंगे, तो यहाँ पे फिर हम लिख सकते हैं c is equal to q q बटे v, तो q का मान यहाँ पे ऐसा ही रखेंगे और v का मान यहाँ से यहाँ बैठा देंगे, ये वाला मान बैठा देंगे, तो कितना हो जाएगा? q बटे q d अपॉन बटे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए, इसको फिर ऊपर ले जाएंगे, c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अब बटे डी, ये हो जाएगा c का मान, ठीक है। यदि प्लेटों के बीच निर्वात अथवा वायु हो तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 हो गया और c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होगा। यौगिक परावैद्युत वाले समांतर पट संधारित्र की धारिता, तो जैसा कि आपके चित्र में दिया गया है, x तथा y दो समतल समानांतर चालक प्लेटें हैं जिनके बीच एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 अपेक्षित विद्युतशीलता वाले क्रमशः d1 d2 और d3 मोटाई के माध्यम भरे हैं। प्लेट y पृथ्वी से जुड़ी होती है, आवेश की का पृष्ठ घनत्व प्लेट x पर प्लस सिग्मा, प्लेट x पर प्लस सिग्मा और प्लेट y पर माइनस सिग्मा है, ठीक है। तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम यदि निकालें तो वो कितना हो जाएगा? पहले माध्यम में E1 इज इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1, दूसरे माध्यम में तो ये आया कहां से? ये हमने पहले अभी अभी पहले वाले टॉपिक में हमने ये प्रूफ किया था, ये वैल्यू ठीक है, तो उसी हिसाब से हमने यहां पे लिखा हुआ है E1 is equal to sigma epsilon naught epsilon 1, और ये यह पहले यहाँ पे हमने प्रूफ किया था sigma कहाँ गया, ये वाला ठीक है, इसी वैल्यू को हमने लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं फिर आगे का हल। फिर दूसरे माध्यम के लिए E2 is equal to sigma epsilon naught epsilon 2, तीसरे माध्यम के लिए E3 is equal to, यहाँ पे E3 हो जाएगा, E3 is equal to sigma बटे epsilon naught epsilon 3। अब विभवांतर क्या हो जाएगा? पहले माध्यम के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा? V1
इज इक्वल टू ई वन डी वन, ई वन का वैल्यू हम यदि बैठा देंगे तो सिग्मा डी वन बटे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन वन। अब वी टू इज इक्वल टू ई टू डी टू, और ई टू का वैल्यू यदि हम बैठा देंगे तो सिग्मा डी टू बटे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन टू। तीसरे माध्यम के सिरों के बीच विभवांतर वी इज इक्वल टू ई थ्री डी थ्री सिग्मा डी थ्री बटे एप्सिलॉन नॉट ई थ्री एप्सिलॉन थ्री। ठीक है, अब हम अतः प्लेटों x तथा y के बीच कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। अब वी वन वी टू और वी थ्री का मान यहाँ पे बैठा देने पर और सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेने पर क्या हो जाएगा, डी वन बटे एप्सिलॉन वन प्लस डी टू बटे एप्सिलॉन टू प्लस डी थ्री बटे एप्सिलॉन थ्री हो जाएगा। यदि प्लेटों के बीच में वेनिस क्षेत्रफल ए हो तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए हो जाएगा। अतः संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू क्यू बटे वी होगा। अब यहाँ पे Q का मान बैठा दीजिए, V का मान बैठा दीजिए, तो ये सिग्मा सिग्मा कट जाएगा और अंत में C का वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट बटे D1 बटे एप्सिलॉन वन प्लस D2 बटे एप्सिलॉन टू प्लस D3 बटे एप्सिलॉन थ्री हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ होने पर, प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ होने पर, तो ये फिगर आपके सामने दिया गया है आपके स्क्रीन पे। यदि संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d हो तथा उनके बीच एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन r अपेक्षित विद्युतशीलता तथा t मोटाई के प्लेट रखी हो तो प्लेटों के बीच वायु की मोटाई d माइनस t होगी। अतः हम लिख सकते हैं कि संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, c इज इक्वल टू एप्सिलॉन a d माइनस t अपॉन 1 बटे 1 प्लस t बटे एप्सिलॉन r। ये कहां से आया, ये हमारा अभी इक्वेशन निकाले थे, इस वाले इक्वेशन से हमने डिराइव किया। ठीक है, तो फिर हम लिख सकते हैं c इज इक्वल टू एप्सिलॉन a एप्सिलॉन नॉट a बटे d माइनस t प्लस t अपॉन एप्सिलॉन r। तो इसको फिर इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, t कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r लिख सकते हैं। तो ये हो गया c का मान। ठीक है, का मान इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी ब्रैकेट में वन माइनस एक बटे एप्सिलॉन आर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक। अब है गोलीय संधारित्र, धातु के दो सहकेंद्रिक गोलक खोखले गोले मिलकर एक गोलीय संधारित्र की रचना करते हैं। इन गोलों के बीच के स्थान पर में कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है। आंतरिक गोले से धातु की एक छड़ लगी रहती है जो बाह्य गोलक से पृथक्कृत रहती है। बाह्य गोले के संबंध पृथ्वी से होती है। माना आंतरिक गोले ए की त्रिज्या ए है, स्मॉल ए है, आपके फिगर में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आंतरिक गोला ए है और बाह्य गोला बी है। आंतरिक गोले की त्रिज्या ए है और बाह्य गोलक की त्रिज्या बी है। प्रेरण द्वारा इसके अंदर वाले पृष्ठ पर माइनस क्यू, बाहर वाले पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, चूंकि पी पृथ्वी से जुड़ा है अतः इसके बाह्य पृष्ठ पर मुक्त धनावेश पृथ्वी से आने वाली इलेक्ट्रॉन से
निरावेशित हो जाता है। इस प्रकार गोले बी पर केवल माइनस क्यू आवेश शेष रह जाता है। माना दोनों गोले के बीच भरे माध्यम की आपेक्षित विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर है। गोले ए पर अपने ही आवेश प्लस क्यू के कारण विभव वी वन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू बाई ए। चूंकि खोखले गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव उसके पृष्ठ के विभव के बराबर होता है, अतः गोले बी के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव वी टू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन बी। गोले ए गोले बी के अंदर स्थित है, अतः गोला ए पर परिणामी विभव V इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन ए माइनस क्यू अपॉन बी होता है। ठीक है, ये वाला तो V इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बी माइनस ए अपॉन ए बी। यह है अतः संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू क्यू अप क्यू बटे भी होता है। तो C इज इक्वल टू वी का मान बैठा दीजिए तो वी का मान यहाँ से ऊपर में हमने अभी निकाला था, वी का मान ये वाला मान यहाँ पे नीचे बैठा दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ब्रैकेट में बी माइनस ए अपॉन ए बी। यदि हम करें तो कितना हो जाएगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बी अप बटे बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों यदि दोनों गोलों के बीच में निर्वात अथवा वायु हो तो एप्सिलॉन आर का मान एक होता है और यहाँ पे एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 बैठा देंगे तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बटे बी माइनस ए, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। बेलनाकार संधारित्र की रचना आपके स्क्रीन पे है। इसमें ए तथा बी दो समाक्षीय खोखले बेलनाकार चालक होते हैं जिनके बीच में कोई परावैद्युत माध्यम भरा रहता है। बाह्य बेलन बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। माना आंतरिक बेलन ए जिसकी त्रिज्या छोटी ए है तथा लंबाई L है, यहाँ पे आप इसका लंबाई लिख लीजिए, ये L है, कि प्रति एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा है। प्रति एकांक आवेश पर इसका लैम्डा है। प्रेरण द्वारा बाह्य बेलन B की त्रिज्या B है, छोटी B है, इसके आंतरिक पृष्ठ पर प्रति एकांक लंबाई का आवेश माइनस लैम्डा है। यहाँ पे इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे ये हो गया प्लस लैम्डा और ये हो गया माइनस लैम्डा बाहर वाले का। चूंकि बेलन बी पृथ्वी से जुड़ा है अतः इसके बाह्य पृष्ठ का मुक्त धनावेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन से निर्वासित हो जाता है। इस प्रकार बी पर प्रति एकांक लंबाई वाले माइनस लेमडा आवेश शेष रह जाता है। दोनों बेलन के बीच उसकी अक्ष से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु P है
और पी के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लेमडा अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है, जहां एप्सिलॉन नॉट दोनों बेलनों के बीच में भरे माध्यम की आपेक्षिक विद्युतता है और ई माइनस डीवी बाई डी आर है, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, अतः बेलन बेलन ए तथा बी के बीच का विभवांतर वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ए से बी तक ई डी आर माइनस ए से बी तक इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लैम्डा अपॉन डी आर लैम्डा अपॉन आर डी आर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटीग्रेशन ए से बी तक 1/r डी आर होगा, बी इज इक्वल टू माइनस लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लॉग ई आर हो जाएगा, ठीक है, और ए से बी तक ऐसे इसका वैल्यू बिठा देंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लॉग ई बी माइनस लॉग ई ए हो जाएगा, वी इज इक्वल टू माइनस लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लॉग ई बी बाई ए हो जाएगा, अतः हम कह सकते हैं कि संधारित्र की धारिता सी इज इक्वल टू क्यू और क्यू बटे भी, तो क्यू इज इक्वल टू लेमडा एल, और ये वैल्यूज हम यहाँ पे बैठा देंगे, भी क्यू का क्यू का वैल्यू यहाँ पे यहाँ से क्यू का वैल्यू लेमडा एल यहाँ बैठा देंगे और वी का वैल्यू लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लॉग ई पी बाई ए ये बैठा देंगे, तो हमारा हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा वैल्यू सी इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एल बाई लॉग ई बी बाई ए, सी इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एल बटे 2.3026 लॉग 10 लॉग बेस 10 बी बाई ए, ठीक है। और यदि बेलन के बीच का माध्यम बेलनों के बीच का माध्यम वायु हो तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बटे लॉग ई बी बाई ए, संधारित्र के प्रति एकांक लंबाई धारिता सी इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बटे लॉग ई बी बाई ए, ये हो जाएगा, ठीक है। संधारित्रों का संयोजन, पहला है श्रेणीबद्ध संयोजन, दूसरा है समानांतर क्रम संयोजन। अब पहले हम श्रेणीबद्ध संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। श्रेणीबद्ध संयोजन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। संधारित्रों के श्रेणी क्रम में संयोजन में प्रदर्शित है, आपके स्क्रीन में दिया गया है। इसमें प्रत्येक संधारित्र को दूसरे प्लेट के को अलग संधारित्र की पहले प्लेट से जोड़े जाते हैं। अंतिम संधारित्र की दूसरे प्लेट को पृथ्वी से जोड़ते हैं तथा पहले संधारित्र की पहली प्लेट को आवेश दिया जाता है। चित्र में C1, C2, C3 परस्पर या C1, C2 तथा C3 धारिताओं वाले तीन संधारित्र विद्युत बिंदुओं A तथा B के बीच में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पे आपके स्क्रीन में जैसे दिया गया है, माना पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। यहाँ पे ये प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। इसमें प्रेरण द्वारा उसके दूसरे प्लेट के अंदर वाले पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे माइनस क्यू आवेश आ जाता है। यहाँ पे
थोड़ा सा ये, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली विद्युत प्रेरण द्वारा माइनस क्यू आवेश आ जाता है तथा उसके स्वतंत्र आवेश प्लस क्यू दूसरे संधारित्र सी टू की पहली प्लेट में चला जाता है और यहाँ पे यहाँ पे प्लस क्यू आवेश आ जाता है, उसी तरह प्रेरण द्वारा यहाँ माइनस क्यू आ जाता है, फिर इसमें प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू आ जाता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कुल विभव इजिकल टू, क्या लिख सकते हैं, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, परंतु वी वन इजिकल टू क्यू अपॉन क्यू बटे सी वन होता है और वी टू इजिकल टू क्यू बटे सी टू होता है, वी थ्री इजिकल टू क्यू बटे सी थ्री होता है। अब वी वन वी टू वी थ्री के बदले में क्यू बटे सी वन प्लस क्यू बटे सी टू प्लस क्यू बटे सी थ्री का मान बैठा देंगे, क्यू को कॉमन ले लेंगे और क्यू को भी इजिकल टू क्यू बाई सी बैठा देंगे, क्यू बटे सी बैठा देंगे और दोनों साइड यहाँ पे ये भी का मान ये और भी वन प्लस भी टू प्लस भी थ्री का मान यहाँ पे बैठा देंगे, क्यू क्यू कट जाएगा और यहाँ पे एक बटे सी वन इजिकल टू एक बटे सी इजिकल टू एक बटे सी वन प्लस एक बटे सी टू प्लस एक बटे सी थ्री हो जाएगा। ठीक है, समांतर क्रम में संयोजन। अब संधारित्व का समांतर क्रम में संयोजन आपके स्क्रीन में दिया गया है, इसमें सभी संधारित्वों की पहले प्लेट को एक बिंदु ए से तथा दूसरे प्लेट के दूसरे बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है, बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। तो आपके फिगर में दिया गया है आपके चित्र की सी वन प्लस सी टू सी वन सी टू और सी थ्री धारित्व वाले तीन संधारित्व बिंदु ए तथा बी के बीच में समांतर क्रम में जोड़ा गया, आपको दिखाया गया है। ठीक है, जब बिंदु ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो यह तीनों संधारित्वों में उसकी धारिताओं के अनुपात में विभाजित हो जाती है। प्रेरण द्वारा संधारित्वों की दूसरे प्लेट के अंदर पृष्ठों पर बराबर परिमाणों के ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है तथा उनके बाहरी पृष्ठ पर उत्पन्न स्वतंत्र धनावेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन से निर्वासित हो जाता है। चूंकि तीनों संधारित्व बिंदुओं ए तथा बी के बीच जुड़े हैं, अतः प्रत्येक संधारित्व की प्लेटों के बीच विभवांतर समान होता है, माना यह विभवांतर V है। यदि संधारित्वों की आवेश क्रमशः Q1, Q2 और Q3 हो तो Q1 इजिकल टू C1V, Q2 इजिकल टू C2V, Q3 इजिकल टू C3V होगा। तीनों संधारित्वों पर कुल आवेश Q इजिकल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। Q1 का मान C1V, Q2 का मान C2V और Q3 का मान C3V बैठा देंगे तो Q इजिकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और ये भी होगा, इक्वेशन ये समीकरण एक हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यदि संयोजन की परिणामी धारिता C हो तो Q इजिकल टू C भी होगा, Q का वो मान समीकरण एक में रखने पर यहाँ पे, तो यहाँ पे Q का मान C भी रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये C भी रख दिया और राइट हैंड साइड में क्या है, C1 प्लस C2 प्लस C3 भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा तो C इजिकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे समांतर पट संधारित्व के प्लेटों के बीच में विद्युत ऊर्जा। यहाँ पे
ये काट दीजिए। तो समांतर पट संधारित्र की प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा का घनत्व, ठीक है। माना एक समांतर पट वायु संधारित्र के प्रत्येक प्लेटों के का क्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर तथा प्लेटों के बीच की दूरी डी मीटर है, तो संधारित्र की धारिता सी इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी फैराड है। यहाँ निर्वात एप्सिलॉन नॉट, यहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर भी वोल्ट हो तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की संचित ऊर्जा U इजिकल टू हाफ सी भी स्क्वायर होगा। और सी का मान यहां से हम सी का मान यहाँ एप्सिलॉन नॉट ए अब बटे डी बैठा देंगे, तो हाफ सी का मान ये बैठा दिया ये, और वी स्क्वायर जूल हो जाएगा। तो अब प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी हो जाएगी? तीव्रता का मान हो जाएगा E इजिकल टू V अपॉन V बटे D हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं V इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, विभव इजिकल टू E E गुने D, E D, ठीक है। अब हम U इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए और डी, ठीक है। और यहाँ पे ई डी स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, हाफ, इसको सॉल्व कीजिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी, ठीक है। इसको जूल ना लिख सकते हैं। तो ऊर्जा घनत्व इजिकल टू क्या लिखा जा सकता है, U इजिकल टू कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा कितना है U और अपॉन आयतन, आयतन कितना है AD, ठीक है। तो इजिकल टू कितना हो जाएगा, U इजिकल टू U इजिकल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और इसका यूनिट कर दीजिए जूल प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे हम इसको लिख सकते हैं, यदि प्लेटों के बीच एप्सिलॉन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता है तो एप्सिलॉन आर क्या है, प्लेटों के बीच आपेक्षिक क्षेत्र विद्युतशीलता आपेक्षिक विद्युतशीलता हो तो हम इसको लिख सकते हैं U इजिकल टू हाफ
एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर और ई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे, ये हो गया आपका यू का मान। ठीक है, आज का ये लेसन यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका आज का दिन शुभ हो, इस शुभकामना के साथ हम लोग आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।